मैं तो जी आपको बड़ी एक भयानक सी एक मैं एक स्टैटिस्टिक देने वाला हूँ। ये पाकिस्तान में जो लोग जिनको डायलिसिस मैसर है या जिनको एक्सेस है डायलिसिस तक, 10 मरीज में से एक को मैसर है, बाकी तो बेचारे वैसे ही अलग हो प्यारे हो जाते हैं। मतलब फैसिलिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, ना प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकता है, ना गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि आप उनको डायलिसिस पर रखें। हमने जी आई थिंक कोई 160 में से हमारा आई थिंक प्रॉब्ली क्लोज टू 100 जो हैं वो सेहत कार्ड पे, शायद उससे भी ज़्यादा, शायद 120 होंगे जो हमने सेहत कार्ड पे किए। केपी में क्या पाकिस्तान में ऐसा सेंटर नहीं है। मैं तो रीजन की बात करूँगा, नेफ्रोलॉजी भी यहाँ है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी यहाँ हैं, रोज़ सुबह हम राउंड करते हैं, कंबाइंड राउंड होता है, मतलब है जो भी हमारे इश्यूज होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, कंसेंसस से उन पे कंसेंसस पे अराइव करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह से मर्ज बढ़ रहा है इसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 100 per million की बात होती है, जनरल फिगर है, 100 per million न्यू केसेस एवरी ईयर आते हैं, तो आपके 400 केसेस एवरी ईयर नए हो रहे हैं ऑन टॉप ऑफ जो पहले भी मरीज डायलिसिस पर हैं, तो आप ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है। यू नो मैं तो कहता हूँ कि इस जैसा अगर केपी में इस जैसे अगर 10 यूनिट और बने तो फिर जाके कहीं शायद आप यू मे से कि हमने कुछ अचीव किया है। लास्ट ईयर में हमने 100 केस किए हैं, ऑल दी अदर जो आपको मुश्किलात होती हैं उसको करते हुए 100 जो है साल में वो बहुत अच्छा नंबर है। चले नंबर तो आपने कर लिया वो बात नहीं है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि आपके नतायज क्या हैं। मैं तो बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारा जो इमीडिएट ग्राफ फंक्शन रेट है वो 98% है, और जो हमारा ग्राफ सर्वाइवल है वो 96% है हमारा। मतलब है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुली मीट करता है। एक आधा करने में बात नहीं है, हम 160 की मैं बात कर रहा हूँ। 160 केसेस में आपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं अपने, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो टीम है और जो आपका जो सिस्टम है वो कामयाब है। फिर RMI क्यों सक्सीड कर रहा है, मतलब क्यों कामयाबी है इसको? बिकॉज हमारे पास, हमने मेहनत की है, हमने टीम बनाई है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस रखा है, और फिर हमने ये काम किया है। आपको ना इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत है, ना लाहौर जाने की ज़रूरत है, ना SIUT कराची जाने की ज़रूरत है, आपको घर पे यहाँ पे आपको मिला हुआ है वो प्रोग्राम जो जिनके नतायज इन सब प्रोग्राम से बेहतर है। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, आप ग़िज़ा आपकी सही होनी चाहिए कि आप वज़न पुट ऑन ना करें ताकि आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन ना बने। आदत डालें कि हर साल अपना अपनी बर्थडे पर या कोई भी दिन करके आप अपना एक एनुअल एग्ज़ाम कराएं। उसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, टोटल अगर आप बिगर पिक्चर देखें उसमें इसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर आपके लिए फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं। आप उसको पकड़ सकते हैं एट अ स्टेज जहाँ पर आप उसको ठीक कर सकें या आप उसके बारे में कुछ कर सकें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल करें, वज़न अपना कंट्रोल करें, एनुअल एग्ज़ाम कराएं, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो वो आपको हिदायत देते हैं तो उन पे आप अमल करें।